नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद 15 दिसंबर को पुलिस जामिया कैंपस में घुसी और जो जामिया की लाइब्रेरी थी उसमें आंसू गैस के गोले दागे गए और वहां बैठे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया। उसी के विरोध में 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी दोबारा खुल चुकी है, लेकिन अभी तक जो लाइब्रेरी है वो बंद है और उसी के विरोध में जो स्टूडेंट्स हैं जामिया के वो यहाँ पर बाहर ही एक प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि किस हिसाब से जो जामिया की लाइब्रेरी बंद है और इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर कहें कि पढ़ाई के लिए कहाँ जाएं, तो इन लोगों ने एक रास्ता अपनाया है और पढ़ाई के लिए जामिया के गेट नंबर 10 पे ही जो स्टूडेंट्स हैं वे यहाँ पर किताबों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम्स भी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं स्टूडेंट से। आप बताइए, आप कौन सी फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं यहाँ से लॉ कर रहा हूँ जामिया से। यहाँ पढ़ाई का कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ का आप दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, 15 तारीख को जब हमारी लाइब्रेरी को तोड़ दिया गया, जो पुलिस की बर्बरता हुई हमारी लाइब्रेरी में और हॉस्टल्स में, हर जगह घुस के जिस तरह से मारा गया, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हमारी लाइब्रेरी तो आपने बंद कर दिया है, ओल्ड रीडिंग हॉल हमारा इससे ये पीछे है, पीछे उसके पीछे जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो इसको तोड़ दिया गया, तो हमारी पढ़ाई रुक गई। लाइब्रेरी के बच्चे कहाँ जाएंगे और हम बच्चे कहाँ जाएंगे, तो हमने ये बाहर में एक मेकशिफ्ट लाइब्रेरी बनाया, ओपन लाइब्रेरी हमारा। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ हम लोग सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बैठते हैं और ये ओपन लाइब्रेरी, कोई भी यहाँ आ सकता है, चाहे वो मुसाफिर हो, कोई स्टूडेंट हो, और आके हमारे साथ बैठ के पढ़ सकता है। 15 तारीख से हालांकि बंद है और 6 तारीख से यूनिवर्सिटी दोबारा खुल चुकी है, लेकिन अभी भी लाइब्रेरी बंद है। कितनी समस्या आपको आ रही है पढ़ाई को लेकर? जी, मैं अंशुमन श्रीवास्तव हूँ, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर का। तो अब आप ये देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटी खुली है, हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पर जो 15 तारीख को यहाँ वैंडलिज्म हुआ लाइब्रेरी में, उसकी वजह से हम लोग मजबूर हो गए, हम लोग को यहाँ आके पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे ये हम लोग को शो करना पड़ रहा है एज अ प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट के तरीके से कि ये जो आपने हमारी लाइब्रेरी तोड़ी, हम उससे रुकेंगे नहीं, उससे डरेंगे नहीं, यहाँ सब साथ, ये पूरी कंट्री मिलके यहाँ साथ में पढ़ेगी। मैं आप ये मैसेज देना चाहते हो कि आप किसी हिंसा और किसी प्रदर्शन के हिस्सेदार नहीं हो, बल्कि आप यहाँ पढ़ने आए हो और आप पढ़ाई करना चाहते हो। जी जी, आज के दौर में भी गांधी जी का जो सत्याग्रह था, जो अहिंसात्मक तरीका था, वो अपनाया जा सकता है कि हम लोग शांति से बैठ कर, और ये जामिया का पूरा प्रोटेस्ट देख लीजिए ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ट्रैफिक भी मैनेज होती है और हम लोग बैठ कर ही प्रोटेस्ट करते हैं। तो आज भी गांधी जी का वो मूल्य हम में जिंदा है, जामिया में जिंदा है, हम इस तरह से भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा जो स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरी बंद होने के बावजूद भी एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है। गेट नंबर 10 के सामने किताबें यहाँ पर रख के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये किताबें अरेंज की हैं और यहाँ पर ये लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स भी, आवाम जो नॉर्मल लोग भी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी यहाँ बैठ कर इनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सभी के लिए इन्होंने एक ओपन लाइब्रेरी यहाँ पर सड़क पर खोली है, क्योंकि पिछले 1 महीने के आसपास अब होने जा रहा है कि जामिया की लाइब्रेरी बंद है और सेमेस्टर एग्जाम जो है वो करीब है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए एक खुद की लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी में ये लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रणवीर सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।